हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ईपीएफओ की हमने यूजुअली रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट देखी है, एनफोर्समेंट ऑफिसर की या फिर अकाउंट ऑफिसर की, अलोंग विद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। लेकिन यूपीएससी इस बार एक स्पेशल एडवर्टाइजमेंट लेके आया है, That is of personal assistant. Personal assistant basically, जैसा कि नाम से लगा है कि it will be some kind of group C or group D post, but no, it is a group B post. Personal assistant group B officer level post है, जो कि non gazetted है under the EPFO. और इसकी एडवर्टाइजमेंट, स्पेशल एडवर्टाइजमेंट यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पे जारी की है। आइए थोड़ी इस पोस्ट से रिलेटेड डिटेल्स देख लेते हैं। बेसिकली 323 वैकेंसी आई हैं। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो ईपीएफओ का एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जामिनेशन हो, या प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जामिनेशन हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन हो, या फिर बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। ये एक 4600 ग्रेड पे, जो कि हम लेवल 7 बोलते हैं, उसकी एक ऑफिसर कैटेगरी की पोस्ट है, जिसका नाम है पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट बेसिकली ये नाम इसलिए दिया गया है, पर्सनल असिस्टेंट बेसिकली ये इसलिए दिया गया है बिकॉज दे विल बी असिस्टिंग द हायर लेवल ऑफिसर लाइक आरपीएफसी और एडिशनल सीपीएफसी सीपीएफसी। तो उन लेवल के ऑफिसर्स को ये असिस्ट करेंगे इन देयर डे टू डे वर्किंग। दैट्स व्हाई दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज पर्सनल असिस्टेंट, बट दैट इज नॉट ए असिस्टेंट लेवल पोस्ट, दैट इज अ ऑफिसर कैटेगरी पोस्ट। तो यहाँ पे 132 पोस्ट अंडर रिजर्व कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस 32, ओबीसी की 87, शेड्यूल कास्ट की 48 एंड शेड्यूल ट्राइब की 24 है। आउट ऑफ दैट डिसेबिलिटी की 12 पोस्ट रिजर्व की गई हैं। सो आउट ऑफ द 323 वैकेंसीज, दीज आर द कैटेगराइजेशन फॉर वैकेंसीज। लेवल 7 की पे, लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स की पोस्ट है, जिसको हम पुराने समय से देखा जाए तो ग्रेड पे की भाषा में बात करें तो इट इज अ 4600 ग्रेड पे पोस्ट, ग्रुप बी पोस्ट। 30 इयर्स की मैक्सिमम एज है फॉर दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस। 33 ईयर का रिलैक्सेशन है फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, 35 ईयर फॉर एससी एसटी एंड 40 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडीज। एंड द मिनिमम लोअर एज फॉर एप्लीकेशन इज 18 ईयर्स, सो फ्रॉम 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स इन केस ऑफ जनरल एंड 33 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 35 ईयर्स फॉर एससी यू कैन अप्लाई। द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज You must be a graduate. That means you should possess a degree, bachelor degree from a recognized university. That is the mandatory qualification. Second mandatory qualification is that you should be fluent in dictation and typing. Dictation for a period of 10 minutes with a speed of 120 words per minute in stenography, English or Hindi. And second is transcription time for the dictation taken as per the second is 50 minutes in English and 65 minutes for Hindi. That too only on computer. मतलब आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको जो स्टेनोग्राफी रहती है, या फिर जिसको हम टाइपिंग बोलते हैं, डिक्टेशन लेना बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली आप असिस्ट करेंगे हायर लेवल सीनियर लेवल ऑफिसर्स को, आपको डिक्टेशन आनी चाहिए, आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, जिसके लिए ये क्राइटेरिया दिया गया है। जो इस वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, ड्यूटीज क्या रहेंगी इस लेवल के ऑफिसर्स की, बेसिकली दे विल टेक द डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न, जो सीनियर लेवल ऑफिसर्स है उनसे डिक्टेशन टाइपिंग लेंगे, टेलीफोन कॉल्स को हैंडल करेंगे, जो भी ईपीएफओ के मेंबर्स हैं या हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, लाइक उनकी जो टेलीफोन कॉल्स आती हैं, अदर डिपार्टमेंट से लाइजनिंग करनी है, सारा काम वो देखेंगे। विजिटर्स आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी आ रही है, या फिर हेडक्वार्टर से सीनियर लेवल ऑफिसर्स आ रहे हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से मिनिस्ट्रियल स्टाफ आ रहा है, तो उनकी विजिट्स को हैंडल करना, जो भी एंगेजमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, उनको कॉर्डियल रिलेशनशिप के साथ एंगेज करना, टूर प्रोग्राम्स प्रिपेयर करने जो सीनियर लेवल ऑफिसर्स हैं, और उनके ट्रेवल अरेंजमेंट्स को देखना। पार्लियामेंट्री कमेटी आ रही है तो पार्लियामेंट्री वर्क को हैंडल करना, या फिर अगर कोई पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस आए हैं तो उनके आंसर कोऑर्डिनेट करके फ्रेम करना।
जो फाइल्स और पेपर है उनकी प्रॉपर डायरी करना, जो भी फाइल्स है उनको ट्रैक करना, और पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है आपके डिपार्टमेंट का उसको मैनेज करने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मतलब यहाँ पे कोई क्लैरिकल काम आपका नहीं रहेगा, यू विल बी कोऑर्डिनेटिंग द सबॉर्डिनेट लेवल ऑफिसर्स विद द हायर लेवल ऑफिसर्स। आप इनके बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, यू विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन इंडक्शन लेवल ऑफिसर्स एंड सीनियर लेवल ऑफिसर्स और द बोर्ड मेंबर्स। परमानेंट पोस्ट है ग्रुप बी की, दैट इज नॉन गैजेटेड। ईपीएफओ इज अ ऑटोनोमस बॉडी, सो इट्स नॉट अ गैजेटेड पोस्ट, इट्स एन नॉन गैजेटेड पोस्ट। हेडक्वार्टर बेसिकली दिल्ली के अंदर रहेगा, बट यू आर लायबल टू बी पोस्टेड एनी वेयर थ्रू आउट इंडिया, एंड 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जैसे कि और पोस्ट के अंदर रहता है, चाहे वो एनफोर्समेंट ऑफिसर हो, अकाउंट ऑफिसर हो, या फिर पीए लेवल की पोस्ट हो। एनी अदर कंडीशन में दो मैंडेटरी है कि यू विल बी कवर्ड बाय न्यू पेंशन स्कीम पॉलिसी, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के दायरे के अंदर ही आप आएंगे। इसके एप्लीकेशन 7 तारीख से शुरू हो चुके हैं, 7 मार्च से शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन इज 27 मार्च 2024 रात शाम को 6 बजे तक। तो आप अपने फॉर्म, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, बहुत अच्छी ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। बेसिकली सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा एक रिटन एग्जाम के और उसके बाद टाइपिंग के आधार पर। तो एक 2 घंटे का रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर इक्वल मार्क्स होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर रहेंगे, और मीडियम इंग्लिश और हिंदी रहेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी है, मतलब नेगेटिव मार्क्स भी इसके अंदर रहेंगे। सिलेबस देख लेते हैं, बेसिक सिलेबस क्या है। सिलेबस वो ही जो वेरियस 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं, जो कि यूजुअली एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। तो इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो ये मोस्टली सेम, ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम का सिमिलर सिलेबस रहता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप वहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं इजीली। यू नीड नॉट टू बाय एनी कोर्स और समथिंग टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज टॉपिक्स। एम्पल अमाउंट ऑफ मेटेरियल इज अवेलेबल ऑनलाइन, एज वेल एज वेरियस बुक्स आर अवेलेबल इन वेरियस बुक स्टोर्स। तो इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन के लिए आप कोई अच्छी एक बुक ले लीजिए, इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके देखिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी, आपको 10th लेवल का मैथ आता है, मैथमेटिक्स के जो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम डिस्टेंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग के लिए बेसिक वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, कंप्यूटर्स के जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका सिलेक्शन के अंदर निभाएगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस बेसिकली इसको हम जीके भी बोल देते हैं, जीए ऑब्लिक जीके, जनरल नॉलेज भी बोल देते हैं। इसके अंदर बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक जो जनरल अवेयरनेस के अंदर जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के अंदर आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और ये ही रहेगा आपको जो भीड़ से अलग करेगा। तो इस एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है कि आप जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है वो बहुत ही डेडिकेटेड वे में आप कवर अप करके रखें। जनरल अवेयरनेस के लिए अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी से, या जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सिलेबस है उसको बहुत कम टाइम में खत्म कीजिए। उसके बाद जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कीजिए। यूजुअली जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी वाले, इन 3 टॉपिक्स के अंदर फ्लुएंट रहते हैं ऑलरेडी, बट जनरल अवेयरनेस को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। बट एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, तो जो मेन रोल प्लेइंग रहेगा इन केस ऑफ सिलेक्शन, दैट विल बी ऑफ जनरल अवेयरनेस। सो जो वेटेज रहेगी, दैट इज ऑफ 300 मार्क्स, 100% वेटेज विल बी अकॉर्डेड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। 300 मार्क्स का एक पेपर रहेगा, जो टेस्ट रहेगा उसको 100% वेटेज रहेगी। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपियर इन द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट दे हैव अप्लाइड फॉर। तो जो स्किल है, जैसे कि हम मैंने बताया था कि जो डिक्टेशन लेनी पड़ेगी या टाइपिंग लेनी पड़ेगी हिंदी इंग्लिश की, उसके लिए एक स्किल टेस्ट होगा। जो भी कैटेगरी वाइज फर्स्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स का, और जो स्किल टेस्ट के अंदर पास हो जाते हैं उसी के बेस पे फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। मतलब देयर विल बी नो इंटरव्यू, यहाँ पे कोई इंटरव्यू का काम नहीं है, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा।
बस एक टेस्ट है, एक स्किल टेस्ट है एंड यू विल बी लेवल 7 ऑफिसर इन द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. एडुकेशन बेसिकली आपकी कैसे सपोर्ट करेगा इस एग्जाम को क्लियर करने में. एडुकेशियस आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लेके आएगा. जो टेस्ट सीरीज रहेंगी बेसिकली वो चारों सब्जेक्ट्स को कवर अप करते हुए 300 मार्क्स की टेस्ट सीरीज रहेगी, जिनमें चारों जो टॉपिक हैं, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, ये और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज है. इन सभी को कवर अप करके हम एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज बनाएंगे. दैट विल बी लॉन्च्ड इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, प्रेफरेबली बाय नेक्स्ट मंडे, एंड विल बी लॉन्चिंग दैट टेस्ट सीरीज स्पेशली फॉर ईपीएफओ, बिकॉज ईपीएफओ के अंदर हमारी एडुकेशियस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. पुराने एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर एग्जामिनेशन में एंड अप्रोक्सीमेटली 80% क्वेश्चंस इन द लास्ट ईपीएफओ एग्जाम्स वर फ्रॉम आवर एडुकेशियस बुक विच वी हैव लॉन्च्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एज वेल एज ऑन अमेजन एंड फ्लिपकार्ट. बट इस एग्जाम के लिए हम कोई बुक लॉन्च नहीं कर रहे, वी आर जस्ट लॉन्चिंग अ डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ही एक्सप्लेनेटरी रहेगी. वो हमारे एडुकेशियस ऐप जो है, एडुकेशियस एप्लीकेशन है हमारा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, अलोंग विद दैट इन अलोंग विद ऑनलाइन पोर्टल पर वो टेस्ट सीरीज कैंडिडेट्स एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को असेस कर सकते हैं. असेसमेंट बहुत जरूरी होता है बिफोर एनी एग्जामिनेशन, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग टूडे फॉर दिस पर्सनल असिस्टेंट इन द ईपीएफओ एग्जामिनेशन. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आपको कुछ जानना है, अगर इस एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ जानना है, वी हैव लॉन्च द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो. यू कैन मेल अस एट skmaverick0411@gmail.com विथ द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द डिटेल, ऑल द डिटेल्स, एंड वील बी देयर टू हेल्प यू आउट इन इन द कंप्लीट प्रोसेस फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो स्टे विद मी, स्टे विद एडुकेशियस. जय हिंद, जय भारत.